दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहाँ पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक एकदम हेल्दी चाट की रेसिपी, जो कि है मखाना चाट। ये वेट लॉस वालों के लिए भी बहुत ही यूजफुल रेसिपी है। मखाना एक लो कैलोरी और हाई फाइबर स्नैक है, इसलिए वेट लॉस में तो ये यूजफुल है ही, प्लस इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। मखाने की चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 1 कप मखाने, खजूर इमली की चटनी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, धनिया और पुदीने की चटनी, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ में कटे हुए टमाटर, थोड़े से अनार के दाने, कटी हुई प्याज, हरी धनिया, सिके हुए मूँगफली के दाने थोड़े क्रंच के लिए, चाट मसाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर, दही और थोड़ा सा कैप्सिकम। आप चाहें तो यहाँ पर ककड़ी या दूसरे कैबेज वगैरह भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे और मखानों को रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पर इन्हें हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। हमारे मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के ब्राउन भी हो गए हैं। गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ ये रोस्टेड मखाने। साथ में हम ऐड करेंगे फेंटा हुआ दही। दोस्तों मखानों में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ में हम यहाँ पर दही से इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम और प्रोटीन होता है। और चाट को चटपटा बनाने के लिए चटनियाँ तो टलती ही हैं, तो हम डाल रहे हैं हरी चटनी और खजूर इमली की मीठी चटनी। और अब डालेंगे चॉप किए हुए वेजीज जो हमने तैयार किए थे। यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, कैप्सिकम और अनार के दाने लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी, कुछ भी अपनी चॉइस का ऐड कर सकते हैं। अनार के दानों से बहुत अच्छा सा एक मीठापन भी आ जाएगा इसमें और क्रंचीनेस भी आ जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं। और अब डाल देंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर और चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप थोड़ा सा अमचूर, थोड़ा सा काला नमक, ये सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फाइनली हरा धनिया डाल दिया और ये थोड़े से भुने हुए सींग दाने क्रंच के लिए। फटाफट इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा देर रहने देंगे तो हमारे जो मखाने हैं वो सौगी हो जाएंगे। इसीलिए इसे फटाफट मिक्स करके और आप तुरंत ही सर्व करें या तुरंत ही खाएं, तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। एक सर्विंग प्लेट में इसे डाल देंगे। दोस्तों इसे आप इवनिंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं एज अ लाइट मील। किसी भी टाइम बीच की जो छोटी छोटी भूख होती है उसमें भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। और अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया से। थोड़े अनार के दाने डाल देंगे और थोड़े से भुने हुए सींग दाने भी डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सेव भी डाल सकते हैं ऊपर। दोस्तों आप भी ये हेल्दी चाट बनाकर ज़रूर एंजॉय करें। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।